रांची पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। नशे के 5 सौदागर गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 महिला समेत 5 तस्कर चढ़े पुलिस के हाथे। मोनी शर्मा और उसकी बेटी ज्योति शर्मा गिरफ्तार। मॉडलिंग करती है आरोपी ज्योति, पहले भी पुलिस ने अरेस्ट कर भेजा था जेल। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से हुई गिरफ्तारी। नशे के 5 सौदागर गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 महिलाएं भी इसमें शामिल है। 5 तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे। मोनी शर्मा और उसकी बेटी ज्योति शर्मा गिरफ्तार हो चुकी है। बड़ी सफलता मिली है पुलिस को, नशे के तस्कर गिरफ्तार हो चुके हैं। पहले भी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था, ज्योति शर्मा को। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से हुई है गिरफ्तारी। नशे का कारोबार करते थे और 5 सौदागर गिरफ्तार हुए। और फिलहाल हमारे सहयोगी इमरान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। इमरान, आपसे जानना चाहेंगे, पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, 5 नशे के जो कारोबार करते थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं। बिल्कुल ज्योति, जिस तरह से सुखदेव नगर थाना प्रभारी और कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, इस टीम ने सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में छापामारी करते हुए एक महिला मॉडल सहित जो है 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस गिरफ्तारी के बाद तो तकरीबन 37 ग्राम ब्राउन शुगर, 2,90,000 रुपए कैश सहित कई अन्य चीजें जो है वो नशे की जो बरामद किए गए हैं। इस पूरे मामले में पूर्व में जिस तरह से महिला मॉडल जो है ज्योति, उसकी गिरफ्तारी पूर्व में हुई थी और पूर्व में वो जेल के सलाखों के पीछे उनको जाना पड़ा था। मॉडलिंग की आड़ में ये रहते हुए जो है नशे के कारोबार में संलिप्त थी। एक बार फिर जब वो जेल से बाहर आई, बेल पर बाहर आई, तो एक बार फिर से वो मॉडलिंग के साथ साथ जो नशे के जो सामान है, ब्राउन शुगर या दूसरी चीजें जो है वो बेचने के लिए सक्रिय हो गई, जिसकी सूचना सुखदेवनगर पुलिस को मिली। पुलिस ने जब छापेमारी की तो पुलिस को जानकारी मिली कि जिस जगह से डील किया जाता था ज्योति और उसकी मां सहित अन्य 3 लोगों के साथ मिल करके, तो कहीं ना कहीं ये लोग उस जगह पर सारे ब्राउन शुगर नहीं रखते थे, जबकि ब्राउन शुगर का जो खेप है वो दूसरे जगहों पर रखा जाता था। तो पुलिस ने एक ज्वाइंट टीम बनाई, टीम ने छापेमारी की 2 अलग अलग जगहों पर और वहां से ये तमाम चीजें बरामद की है। तो अब महिला मॉडल सहित 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो पुलिस अब ये तार को खंगालने में जुटी है कि ये ब्राउन जो शुगर है वो कहां से आ रहा है। तो पुलिस को शुरुआती जांच में जानकारी मिली है कि ये जो ब्राउन शुगर का जो खेप है वो राजधानी रांची में सासाराम के रास्ते, मतलब बिहार से होते हुए झारखंड और फिर रांची पहुंचता था ये सारी चीजें, और फिर से अलग अलग जो यूथ टारगेट है, स्कूल और कॉलेज के जो लड़के हैं उनको टारगेट करते हुए ब्राउन शुगर का सप्लाई किया जाता था, बेचा किया करते थे। तो अब पुलिस उन तमाम नेटवर्क को भी खंगालने में जुट गई है जो स्कूली युवाओं में शामिल है। तमाम जानकारी के लिए, तो जैसा आपने बताया कि ज्योति शर्मा नाम था उस युवती का जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, और उसके साथ ही 4 और लोग मौजूद हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। नशे के 5 सौदागर गिरफ्तार हो चुके हैं और पुलिस को मिली है ये बड़ी कामयाबी। मॉडलिंग करती थी आरोपी ज्योति। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।